दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया गजवा ए हिंद फतवा, उत्तर प्रदेश की दारुल उलूम संस्था का भारत में इस्लामीकरण करने की नापाक साजिश। सऊदी अरब के प्रिंस ने इस फतवे को जायज ठहराने वाले कट्टरपंथियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, भारत देश के उत्तर प्रदेश सहारनपुर में स्थित देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है जिसमें गजवा ए हिंद को मान्यता दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस फतवे से देश में आक्रोश की स्थिति पैदा हो चुकी है। सभी संत, आचार्य और अधिकारी लोग इस फतवे के विरोध में खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा NCPCR ने तो सरकार से FIR तक करने को कह दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गजवा ए हिंद फतवा क्या है? आखिर क्यों इस फतवे के खिलाफ आक्रोश की स्थिति पैदा हो चुकी है? जानेंगे दारुल उलूम संस्था के बारे में जिसे कट्टर इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब से विरोध झेलना पड़ रहा है। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, फतवे पर बात करने से पहले बात करते हैं कि दारुल उलूम की, तो दारुल उलूम भारत देश के सहारनपुर जिले के कस्बे देवबंद में स्थित एक इस्लामिक मदरसा है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में सुधार और उत्थान करना है। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 में हुई थी जिसका मुख्य लक्ष्य भारत के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन अब तो लगता है कि ये अपने लक्ष्य के विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन दारुल उलूम देवबंद अब भी चर्चा में क्यों बना है? गजवाए हिंद पर सियासी गदर क्यों छाया हुआ है? आपको बता दें कि दारुल उलूम की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विवादित फतवा जारी किया गया है जिसमें गजवाए हिंद को वैधता दी गई है। गजवाए हिंद को आसान हिंदी भाषा में समझाए तो मुस्लिम समुदाय मिलकर गैर मुस्लिम राष्ट्र जैसे भारत पर आक्रमण करना, उस पर कब्जा करना और आक्रमण पश्चात इस्लाम की स्थापना करना है। इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान अगर किसी मुस्लिम लड़ाके की शहादत हो जाती है तो ये उसके जीवन का सर्वोच्च बलिदान होगा। मुस्लिम समुदाय के ये लोग गैर मुस्लिम लोगों को काफिर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब तो मुख्यतः हिंदुओं को काफिर की संज्ञा दी जाती है। गजवाए हिंद मुख्यतः इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा जारी एक भविष्यवाणी है जिसमें भारत में मुस्लिम और काफिरों के बीच युद्ध का जिक्र है। भविष्यवाणी में यह बात भी होती है कि युद्ध में मुसलमानों की जीत होती है और एकेश्वरवाद और शरिया कानून लागू होता है। निश्चित रूप से दारुल उलूम की वेबसाइट पर जारी यह फतवा भारत के लिए चिंता का विषय है और इस फतवे के खिलाफ अब भारी मात्रा में हिंदू समुदाय विरोध प्रकट कर रहे हैं। कुल मिलाकर दारुल उलूम ने गजवा ए हिंद को मान्यता देने के लिए यह फतवा जारी किया। अब इस फतवे को लेकर NCPCR ने एक बयान जारी किया है जिसमें इस फतवे को देश विरोधी बताया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने आगे कहा है कि देवबंद दारुल उलूम बच्चों को भड़काने वाली शिक्षा दे रहा है, बच्चों को युद्ध के लिए उकसाने वाली शिक्षा पर जोर दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दारुल उलूम मासूम बच्चों के मन में जहर भर रहा है और बच्चों का ब्रेन वॉश करने पर तुला हुआ है। क्या सच में देवबंद के दारुल उलूम में आतंकवादी बनने जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है? दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट पर जो फतवा ऑनलाइन जारी किया है उसमें गजवाए हिंद का महिमा मंडित किया गया है। गजवाए हिंद का मुख्य मकसद ही यही है कि भारत देश में आक्रमण करना, युद्ध करना और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जो कि पूर्णतः गलत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार गजवा ए हिंद फतवा जारी करने वाली संस्था पर क्या कार्रवाई करने वाली है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तो सहारनपुर के DAM और SSP से FIR करने की मांग उठाई है। अब इस फतवे को लेकर भारत देश के सभी संत लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। जैसे महंत राजू दास जी ने इस फतवे के संबंध में बयान दिया कि देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विषय को संज्ञान में लेकर दारुल उलूम देवबंद संस्था पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसी के साथ महंत राजू दास ने फतवा जारी करने वाले उलेमा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। हिंदू संत समुदाय इस दारुल उलूम फतवे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो यह तक कह दिया है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं, ऐसे आतंकवादी जो देश के लिए खतरा है, ऐसे मदरसों को तो तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।
इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम के इस फतवे के खिलाफ अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी देखी गई और अब वो फतवा जारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा ने इस फतवे के संदर्भ में बात कही है कि बहुसंख्यक हिंदू कभी भी इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं कि किसी को निकाल बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय द्वारा जो बीच बीच में यह फतवे जारी किए जाते हैं, यह फतवे भारत राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। दारुल उलूम देवबंद के अनुसार किसी शख्स ने गजवाए हिंद को लेकर उनसे ऑनलाइन सवाल किया था। इसी सवाल का जवाब में दारुल उलूम ने यह बात कही थी, जिसको लेकर अभी दारुल उलूम देवबंद चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। केवल हिंदू संत समाज ही नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी इस फतवे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दारुल उलूम के इस विवादास्पद फतवे के विरोध में देश भर में एक बहस सी छिड़ चुकी है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश की राजधानी दिल्ली में इस फतवे के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें दारुल उलूम देवबंद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे जय भगवान गोयल ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद में जिहादियों और आतंकियों के द्वारा भारत को 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर ये षड्यंत्रकारी आतंकी हमारे पुलिस सुरक्षा बलों के द्वारा अगर मारे जाते हैं तो वे शहीद कहलाएंगे। अगर आतंकी शहीद कहलाने लगे तो यह हमारे वीर जवान सैनिकों के लिए अपमान की बात होगी। एक तरफ जहां भारत के सनातन का पराक्रम देखिए कि मुस्लिम बाहुल्य देश में एक बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया। इटली का विराट राम मंदिर भी, जो जल्द ही भक्तों के लिए शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर देश विकासशील से विकसित बने और विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर अग्रसर है, लेकिन इधर ये मौलवी भारत देश में रहकर भारत पर ही आक्रमण करने की बात कर रहे हैं और जवाबी कार्यवाही में मरने वाले जिहादियों एवं आतंकियों को शहीदों की उपाधि देना ये कहां तक ठीक है। इस फतवे के संदर्भ में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भी बयान दिया है, जिनके अनुसार गजवा ए हिंद को मान्यता देना राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। इस फतवे के खिलाफ घोर आपत्ति है। यह संविधान विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी फतवा है। इसके अलावा परमहंस आचार्य ने सरकार से ये दरख्वास्त की है कि भारत सरकार सभी मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करें, क्योंकि देश में चल रहे सभी मदरसे दारुल उलूम से संचालित किए जा रहे हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल के मुताबिक दारुल उलूम का यह गजवा ए हिंद फतवा और कुछ नहीं बल्कि सियासी हथकंडा है। कारी अबरार जमाल आगे कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना निश्चित रूप से देश की तरक्की, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में व्याप्त कई सारे आतंकवादी संगठन दारुल उलूम की विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या दारुल उलूम देवबंद जैसे गंदे इस्लामिक शिक्षा संस्थानों को भारत देश से उखाड़ फेंकना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।